धनतेरस पर ऐसी चीजों की खरीदारी करने से बचें, नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। आने वाले पूरे साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में और विदेशों में भी दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे दीपक सौवी कहा जाता है। दीपावली पर मुख्यतः गणेश जी और माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ काली, कुबेर और धनवंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पर रही है। हालांकि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर सोमवार को ही मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगा 24 अक्टूबर को सायंकाल 5:47 पर और तिथि का समापन होगा 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर। धनतेरस के दिन 23 अक्टूबर को राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन 7:30 बजे से पहले या 6 बजे के बाद ही वाहन, सोना चांदी और अन्य खरीदारी करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली थी। विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर शुक्राचार्य की चालाकी को अभिभूत कर बलि से दान मांग लिया था। बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को धन की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना कर विशेष पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार देवी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुई है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबा, वाहन आदि वस्तुएं खरीदने पर धन्वंतरी देवता 13 गुना वृद्धि का आशीर्वाद देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन राजा हेमा की बहू ने अपने पुत्रों को मृत्यु की देवता यमराज से बचाया था। यमराज 7 तुल धारण कर कमरे में घुसना चाह रहे थे। राजा हेमा की बहू ने सांप को बाहर ही रोकने के लिए दरवाजे पर कई सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के और दीपक रख दिए। गहनों और दीपकों की तेज चमक से सांप अंधा हो गया, वह राजा के बैन प्राण हर न सका। इसलिए राजा की बेटे की शादी के 14 दिन मरने की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई, उसकी जान बच गई। इसलिए धनतेरस पर आभूषण खरीदना शुभ माना जाने लगा। ये बुराई को दूर भगाने और सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन शुभता, सुख एवं समृद्धि में वृद्धि करने वाली वस्तुओं को खरीदने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी से जुड़ी या प्रतीकात्मक वस्तुएं लोग खरीदते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदी जाती है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने की मनाही होती है। अगर धनतेरस के दिन गलती से भी आपने इन वस्तुओं की खरीदारी की तो 13 गुना वृद्धि तो दूर, उल्टा आपके घर से खुशहाली, धन संपदा सब दूर चला जाएगा, कंगाली, निर्धनता आ जाएगी। इन चीजों को खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आने वाले पूरे साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस के दिन आप कौन सी चीजें खरीदने से बचे और कुछ खास वस्तुओं को खरीदते समय क्या सावधानी रखें, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धनतेरस पर ऐसी चीजों की खरीदारी करने से बचें। सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों की। चौंक गए, धनतेरस पर बर्तन खरीदना तो बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, लेकिन इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। उसी तरह लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने की भी गलती ना करें।
ऐसा करने से आप कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसकी जगह ओपर या बांस के बर्तनों की खरीदारी की जा सकती है। लोहे या स्टील के बर्तन लेनी है तो धनतेरस से पहले आप खरीद सकते हैं। यही बात एल्यूमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य कारक माना जाता है। तो ऐसे शुभ मौके पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचे। धनतेरस पर आप सूर्य को प्राकृतिक धातुओं की खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल से बनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। बर्तन लाते समय पहले इसे चावल और किसी और चीज से भर लें, कुछ ना हो तो पानी ही भर लें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन छोड़ी, कैची, सुई, हसिया, पिन जैसी कोई भी धारदार चीजें ना खरीदे। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर प्लास्टिक की बनी चीजें भी खरीद कर ना लाए। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं है, इसे धनतेरस पर प्लास्टिक की चीजें बने ये गिफ्ट उपकरण बिल्कुल भी ना खरीदे। धनतेरस पर चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, इनसे घर में बरकत की कमी रहती है। कांच के बर्तन या कांच की बनी कोई भी वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चश्मा भी ना खरीदें। कांच का भी संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कारण यह भी है कि चीनी मिट्टी और कांच की वस्तुओं में चिरस्थायित्व नहीं होता। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी ना करें, ना ही इन्हें घर लाएं। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस जैसे शुभ दिन पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन मिलावट की या अशुद्ध चीजें ना खरीदें। इसमें कई चीजें हो सकती है, जैसे घी, बटर बाजार में नकली भी मिलता है, तो तेल, घी ऐसी चीजें खरीदते समय सतर्क रहें। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक ना जलाएं। वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली या मिलावट वाले धातु के सिक्के, इन सब चीजों को ना खरीदें। नकली गहने धनतेरस पर खरीदने पर अशुभता आती है, इसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, धनिया, दीपक, पद चिन्ह, कुमकुम आदि चीजों के साथ ही बतासा खरीदना भी आवश्यक होता है। ये माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बतासा खरीदते समय ध्यान रखे, रंगीन बतासा ना खरीदे, सफेद बतासा ही खरीदना चाहिए। सफेद बतासा ही माता लक्ष्मी को अर्पित करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली छा जाती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि वर्तक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। इस दिन प्लास्टिक वाली झाड़ू ना खरीदें, सिक्कों और फूल वाली झाड़ी खरीदें। इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल ना खरीदें। झाड़ू जितनी घनी होगी उसका सकारात्मक असर उतना ही अधिक पड़ेगा। अगर आप धनतेरस के दिन सिक्कों वाली झाड़ू खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी सिक्के टूटी ना हो, क्योंकि ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है। इस दिन झाड़ू इनकी संख्या में खरीदे और घर में लाते समय ध्यान से लेकर आए। इसे रास्ते पर बड़ी गंदगी या पैरों का स्पर्श ना हो। झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध दे। ऐसी झाड़ू से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपावली पर अपनों को उपहार देने का भी रिवाज है। लोग धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं यह सोचकर उसी के साथ उपहार भी खरीदते हैं, लेकिन यह गलत है। आप दूसरों को चीजें दे रही हैं जिसका भुगतान आप कर रहे हैं। आप लक्ष्मी दे रहे हैं तो धनतेरस के दिन ऐसा ना करें। उपहारों की खरीदारी धनतेरस के पहले ही करके रखें। इसी तरह की सावधानी वाहन या घर की बड़ी चीजों की खरीदारी में बरतें। धनतेरस के दिन नया वाहन घर में लाना शुभ माना जाता है, लेकिन पैसों का भुगतान इस दिन नहीं करना है। वैसे भी वाहन का आरक्षण और पैसों का भुगतान पहले ही किया जाता है, फिर कुछ समय बाद ही इसका वितरण होता है। लेकिन याद रखें कि इस दिन नए वाहन के आरक्षण हेतु धन खर्च ना करें। तो इस दिवाली में धनतेरस पर खरीदारी करते समय इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें।
आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।